अगर आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन बैट्समैन मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 200 आखिरी 6 गेंदों में 22 रन चाहिए थे, फिर राशिद खान ने ऐसा चमत्कार कर दिया और ऐसे छक्के लगाए कि हारे हुए मैच में गुजरात की टीम जीत गई। अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आप सभी राशिद की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गुजरात की टीम के खिलाफ उमरान मलिक ने तो तहलका ही मचा के रख दिया, और कैसे अपनी रफ्तार से उमरान ने एक एक कर पांड्या की पलटन के परखच्चे उड़ा के रख दिए, ये तो आपको बताएंगे ही। परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या उमरान मलिक को उनकी इतनी मेहनत के बाद भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, IPL 2022 का एक और घमासान मुकाबला गुजरात और हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें टॉप 3 में आती हैं, तो मुकाबला तो कांटे की टक्कर का होना ही था। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई हार्दिक पांड्या के टॉस जीतने के बाद। टॉस जीतते ही मैदान में पांड्या का पहला फैसला गेंदबाजी चुनना था। दोस्तों, गेंदबाजी में काफी ज्यादा अच्छी शुरुआत भी रही पांड्या की टीम की। आपको बता दें कि विलियमसन 5 रन तो वहीं त्रिपाठी भी 16 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद दो खिलाड़ियों ने अपनी टीम की पारी को बखूबी संभाला। अभिषेक शर्मा 65 और मार्करम 56 रन लगा गए। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने एक ऐसा पुल बना दिया था अब SRH की टीम के लिए, जिस पर आगे चलकर एक बड़ा स्कोर बनने वाला था। और कोई खिलाड़ी तो कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन इन दोनों के कंट्रीब्यूशन और शशांक नाम के खिलाड़ी के 6 गेंदों में 25 रन के चलते हैदराबाद की टीम ने स्कोरबोर्ड पर 195 लगा दिए थे। जीतने के लिए 200 गुजरात की टीम को 196 रन चाहिए थे। लक्ष्य अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा था, और कुछ धमाकेदार शुरुआत के साथ साथ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप की भी जरूरत थी गुजरात की टीम को। 200 धमाकेदार शुरुआत तो मिल गई, लेकिन बीच में गुजरात की टीम पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दी कि वो एक खिलाड़ी ने, उसका नाम था उमरान मलिक। आपको बता दें दोस्तों के साहा तो 68 रन बनाकर मैदान पर सिर थे, लेकिन इस बीच ना सिर्फ शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड किया उमरान मलिक ने, बल्कि आगे चलकर कई और खिलाड़ियों को भी किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल को बोल्ड करने के बाद पांड्या को कैच आउट करा दिया था उमरान मलिक ने। इसके बाद रिद्धिमान साहा, डेविड मिलर, यहाँ तक कि अभिनव मनोहर जैसे धाकड़ खिलाड़ियों को पवेलियन बिठाने का जिम्मा भी इन्हीं खिलाड़ी के तो नाम रहा। 200 जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी अब, क्योंकि उमरान मलिक की घातक रफ्तार ने आधी टीम को तो पवेलियन में बिठा दिया था। केवल 2 खिलाड़ी मैदान में दहाड़ रहे थे, राहुल तेवातिया और राशिद खान। और दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों के साथ ही इस मुकाबले का अभी तो असली रोमांच आना बाकी था। राशिद खान ने भुवनेश्वर कुमार को छक्का जड़कर 70% प्रेशर अपने ऊपर रखा और 30% दे दिया था SRH को वापस से। लेकिन अगले ओवर में जो होने वाला था उसकी भनक तक नहीं थी किसी को। 200 टी नटराजन को एक चौका लगा और राशिद खान के बल्ले से ही छक्का। जीतने के लिए अंतिम 6 गेंदों में 222 रनों की दरकार थी, और इस ओवर की शुरुआत जितनी सुनहरी होनी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही हुई। 205 गेंदों में मात्र 15 रनों की ही तो दरकार थी। अगली गेंद पर प्रेशर जो होता है उसका असली विजुअल हमें देखने को मिला। 200 राहुल तेवातिया ने मार्को जैनसन को सबक सिखाते हुए अगली गेंद पर भी गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये छक्का 200 राशिद खान के बल्ले से आया था, क्योंकि दूसरी गेंद पर सिंगल हो चुका था। अब 3 गेंदों में जीतने के लिए 9 रन चाहिए थे, यानी कि 2 बाउंड्री। और राशिद खान ने 200 अंतिम 2 गेंदों में वो चमत्कार कर दिया जो कि बड़े से बड़े सूरमा नहीं कर पाते। 200 इस ओवर की 5वीं गेंद जो कि एक जबरदस्त फुल टॉस थी, उस पर राशिद खान ने स्क्वायर लेग की तरफ से एक बेहद ही शानदार कटर शॉट खेला। गेंद पलक झपकते ही दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और ये खतरनाक छक्का हो चुका था। इतना ही नहीं दोस्तों, जब अंतिम गेंद पर जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे तो मार्को जैनसन की ही शॉट गेंद पर राशिद ने एक और शानदार छक्का जड़कर 200 GT यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम को हारे हुए मैच में जिता कर रख दिया। दोस्तों, ये वाकई में एक अद्भुत और इम्पॉसिबल जीत थी, जिसे राशिद खान के बल्ले से पूरा किया गुजरात की टीम ने। पांड्या ने भी दौड़कर गले लगाया 200 राशिद को, लेकिन राशिद खान की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।